नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया के बस स्टैंड स्थित विजय फूड प्लाजा में मुखिया संघ के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अररिया जिले के लगभग सभी पंचायत के मुखिया एवं संघ के प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हुए। वहीं इस बैठक में सर्वसम्मति से मुखिया संघ हेतु जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, मीडिया प्रभारी चुना गया। वहीं अररिया बस्ती के मुखिया शाद अहमद बबलू मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष चुने गए। बताते चले कि शाद अहमद बबलू कुछ दिनों पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। फारबिसगंज प्रखंड की मुखिया अनीता कुमारी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो वहीं जोकीहाट प्रखंड के मुखिया अफसर आलम को महासचिव चुना गया। पलासी प्रखंड के मुखिया रागीब बबलू उप सचिव चुने गए और कुर्साकांटा प्रखंड के मुखिया फिरोज आलम को भी उप सचिव चुना गया। अन्य पद में कुर्साकांटा प्रखंड के मुखिया फिरोज आलम को उप सचिव चुना गया, तो वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में रानीगंज प्रखंड की मुखिया शाइस्ता इरशाद चुनी गई। संगठन प्रभारी के लिए भरगामा प्रखंड के मुखिया भागवत दास को चुना गया। वहीं मीडिया प्रभारी सिक्टी प्रखंड के मुखिया बब्बन उर्फ प्रदीप झा चुने गए। मौके पर मौजूद संघ के अध्यक्ष शाद अहमद बबलू ने सभी मुखिया को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसमें सभी मुखिया को तकनीकी तौर पर आ रही समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा था, जिसको लेकर उन्होंने उचित आश्वासन भी दिया है। आज मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया और कई पदों का चुनाव हुआ है, क्या सब रखी गई बात यहाँ पर? देखिए, ये आज से कुछ दिन पहले की बात है, हम लोगों का एक बैठक हुआ था डाक बंगला में, जिसमें पूरे जिला के करीब करीब मुखियागण आए थे। उसी समय सारे लोगों ने सर्वसम्मति से कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मुझे बना दिया था, लेकिन विधिवत जो होना चाहिए सारे प्रखंड अध्यक्ष को आना चाहिए, वैसा नहीं हुआ था, जिसका आज बैठक रखा गया। 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे और करीब करीब सारे प्रखंड से मुखिया लोग भी आए हुए थे। सब लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी अतिथि गृह में, उसके बाद आप फिर पंचायती राज मंत्री से भी मिलने गए, क्या सब बातें हुई? जी, उस मीटिंग में ये बात हुई थी, कुछ हम लोगों का टेक्निकल मामला था काम धाम करने का, उस विषय पर हम लोगों ने जाकर के मिलने का काम किया। सम्राट चौधरी जी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुना और एक सप्ताह का हमें टाइम दिया कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों के मामले की जो है निपटारा करके आपके जिला में चिट्ठी भेज दी जाएगी। कल हमें मालूम हुई है विशेष सूत्रों से कि हमारे जिला के वजह से बिहार के और 5 जिला का काम हमारे ही चिट्ठी से हो गया। मांगे क्या क्या थी आप? देखिए, वह मांगे जब चिट्ठी आएगी फिर बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि हम लोगों को कुछ मामला काम करने में था, जो हम लोगों को परेशानी हो रही थी, कुछ टेक्निकल मामला था, उसको बाढ़ प्रभावित एरिया हमारा, इसी वजह से हम लोगों ने उस काम के लिए मिलने का काम किया था सम्राट चौधरी हमारे माननीय मंत्री जी से, तो उन्होंने हमारी बातों को सुना और ये बात उन लोगों उसी समय उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल मामला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो सकता है और आपके जिला के लिए, और जैसे मधुबनी हुआ, सुपौल, सहरसा और किशनगंज, अररिया, सब के लिए एक साथ ही चिट्ठी आ रही है उस काम को आसान करने के लिए।